नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 मई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बागवानी में बिहार बना नंबर वन। आज होगा देश के नए संसद भवन का उद्घाटन। लॉन्च हुआ मौसम बिहार मोबाइल ऐप। आज है यूपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा। फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच मैच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईडीबीआई में 1036 पदों पर निकली भर्ती। आईडीबीआई बैंक के द्वारा एग्जीक्यूटिव के 1036 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आईडीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। बागवानी में बिहार बना नंबर वन। बिहार के किसान अब बिहार सरकार की कोशिशों और योजनाओं की मदद से मशरूम, लीची, मखाना और भिंडी के प्रोडक्शन में देश का नंबर वन राज्य बन गया है। मालूम हो कि बिहार सरकार के द्वारा प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है। वहीं आम, लीची, अमरूद, आंवला, जामुन, कटहल और केले की खेती के लिए सरकार की ओर से किसानों को 50% सब्सिडी भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मखाना विकास योजना के तहत किसानों को मखाना खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 75% का अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही मशरूम की खेती पर भी सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी दी जा रही है। आज होगा देश के नए संसद भवन का उद्घाटन। आज यानी कि 28 मई को देश के कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा किए जा रहे विरोध के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज उद्घाटन की शुरुआत पूजा से होगी, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। मालूम हो कि नए संसद का उद्घाटन दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण की शुरुआत सभी रस्मों से होगी तो वहीं दूसरे चरण की शुरुआत राष्ट्रगान के गायन से होने वाली है। बता दें कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ अनुष्ठानों के बाद लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सिंगोल भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए तमिलनाडु के पुजारी और सिंगोल को डिजाइन करने वाले मूल जौड़ी मौजूद रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आज के उद्घाटन समारोह में 25 दल शामिल होंगे तो वहीं 21 दल इसका बहिष्कार करेंगे। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे एके नारायण के बारे में। अवध किशोर नारायण यानी कि एके नारायण का जन्म आज ही के दिन 1925 में हुआ था। यह एक भारतीय इतिहासकार, मुद्रा शास्त्री और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने दक्षिण और मध्य एशिया से संबंधित विषयों पर व्यापक रूप से प्रकाशित और व्याख्यान दिया। वह 1957 में क्लेरेंडन प्रेस द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक द इंडो ग्रीक्स के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम वुडथोरप टॉर्न की थीसिस पर चर्चा की थी। वह होलकर फेलोशिप, चक्र विक्रमा गोल्ड मेडल, रॉकफेलर ग्रांट, फोर्ड फाउंडेशन अनुदान और गुगेनहाइम फेलोशिप और सहित कई उल्लेखनीय पुरस्कारों और शोध अनुदानों की प्राप्तकर्ता थे। वह रॉयल न्यूमिजमाटिक सोसाइटी लंदन के लाइफ फेलो और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मानद फेलो थे। वह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के मानद सदस्य भी थे। बिहार ड्रैगन बोट टीम का प्रायोजक बना कृषि एजुकेशनल एंड हेल्थ सेवा संस्थान। बिहार में ड्रैगन बोट खेल को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए कृषि एजुकेशनल एंड हेल्थ सेवा संस्थान के द्वारा टीम स्पॉन्सर बनने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है। बता दें कि यह सहमति ड्रैगन बोट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन तथा पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र और कृषि एजुकेशनल एंड हेल्थ सेवा संस्थान के सचिव विंध्याचल पाठक के बीच हुई वार्ता के बाद हुई है। बता दें कि बिहार ड्रैगन बोर्ड एसोसिएशन के सचिव दीपक प्रकाश रंजन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी 16 जून से झारखंड के तिलैया डैम के जवाहर घाट जलाशय में तरेगन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 3 दिवसीय 11वीं सीनियर राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले बिहार की टीम को किट उपलब्ध करा दिया गया है। देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती है बिहार की आम्रपाली। बिहार के दरभंगा की 14 वर्षीय आम्रपाली, जो की कक्षा 9वीं की छात्रा है, उसने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें कि यह पहली बार है जब आम्रपाली के द्वारा इस तरह की किसी प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। वहीं अपनी इस जीत पर आम्रपाली के द्वारा खुशी व्यक्त करते हुए कहा गया है कि वह अब बड़े मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती है और वह इसके लिए तैयारी भी कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का है, इसलिए मैं इसके लिए अभी से ही तैयारी कर रही हूं। वहीं आम्रपाली की मां का इस पर कहना है कि उन्हें अपनी बेटी की इस सफलता पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है।
स्ट्रीट लाइट को लेकर पंचायती राज विभाग का निर्णय। पंचायती राज विभाग के द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसके तहत सूबे के 45,000 गांवों में अगले 10 महीने में 6.44 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि विभाग के द्वारा हर पंचायत में कम से कम 8 वार्डों में लोकसभा चुनाव के पहले यानी कि अगले वर्ष मार्च तक 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत पहले हर वार्ड में 4-4 लाइट लगाकर की गई थी। बता दें कि विभाग के द्वारा इन सोलर स्ट्रीट लाइटों को लगाने में कुल 2,162 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मालूम हो कि फिलहाल इसके लिए राज्य योजना मद के 371 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं, वहीं बाकी बचे शेष राशि 15वें वित्त आयोग से खर्च होंगे। बता दें कि पहले यह स्ट्रीट लाइट 4 वार्डों में लगाए जा रहे थे, जिसे अब बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। डीएमएसपी कैंप लगा निपटाएंगे भूमि विवाद के मामले। भू समाधान पोर्टल पर दर्ज भूमि विवादों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत 4 महीनों में चरणबद्ध तरीके से मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। बता दें कि तैयार किए गए इस कार्य योजना के तहत सबसे पहले जून महीने में विवादित जमीनों की मापी की जाएगी और फिर जुलाई तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद फिर अगस्त तक डीएमएसपी के द्वारा विशेष कैंप लगाकर ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा और फिर सितंबर महीने तक एवं अन्य न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे को लेकर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। बता दें कि इस कार्य योजना से जुड़ी सभी जिम्मेदारी संबंधित विभाग व पदाधिकारियों को सौंप दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्य योजना बनाने का निर्णय मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। आज है यूपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा। आज यानी कि 28 मई को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होने वाला है। हालांकि इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बता दें कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपना 2 फोटो और फोटो आईडी प्रूफ ले जाना अनिवार्य है। बता दें कि परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा केंद्र में 10 मिनट पहले यानी कि सुबह 9:20 बजे और दोपहर के सत्र के लिए दोपहर 2:20 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं परीक्षा हॉल में अभ्यर्थी को किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या गैजेट ले जाने की मनाही है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को परीक्षा में पूछे गए सवाल का जवाब केवल काले पेन से ही देना होगा, क्योंकि किसी अन्य पेन से दिए गए उत्तर को चेक नहीं किया जाएगा। लॉन्च हुआ मौसम बिहार मोबाइल ऐप। बिहार की जनता और किसानों को अब मौसम से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। बता दें कि बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में बेली रोड स्थित सरदार भवन में बिहार मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि इस ऐप के लॉन्च होने के बाद अब मौसम से जुड़ी जानकारी बिहार वासियों को उनके फोन पर ही मिल जाएगी। बता दें कि इस ऐप से आम जन सीधे तौर पर इससे जुड़ सकेंगे और मौसम से जुड़ी जानकारी पूछ सकेंगे। हालांकि मौसम से जुड़ी जानकारी लेने के लिए बिहार वासियों को इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा और फिर वे कहीं से भी कहीं के मौसम की जानकारी बस एक क्लिक से ले सकते हैं। इसके साथ ही इस ऐप में लोगों की सुविधा के लिए 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी डाली गई है, ताकि वे अपने सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर जानकारी हासिल कर सके। मालूम हो कि इस ऐप की मदद से लोग 5 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान भी जान सकते हैं। प्रदेश के उत्तर पूर्व जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदेश में बारिश जैसे हालात है, ऐसे में मौसम का मिजाज सुहाना हो गया है। हालांकि मौसम विभाग लगातार प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश 1 से 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। इस दौरान मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के उत्तर पूर्व के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर गर्जन बिजली चमकने के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश के मध्य से दक्षिण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए दक्षिण बांग्लादेश की ओर एक ट्रफ लाइन रेखा गुजर रही है। इसी के प्रभाव से बिहार में इन दिनों बारिश जैसे हालात है। अमेरिकी शख्स ने बिहार को लेकर बोला ये वीडियो हो रहा वायरल। किसी और देश की भाषा सीखना बहुत ही कठिन काम माना जाता है। हालांकि हम अंग्रेजी बोलना तो सीख जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें ये भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाती है, लेकिन जब बात किसी और भाषा को सीखने की आती है तो उसे सीखने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और हमें काफ़ी समय भी लगता है। लेकिन इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स जो अमेरिकी है लेकिन वह बेहद ही अच्छे ढंग से हिंदी बोलता नज़र आ रहा है। लेकिन इस हिंदी में खास बात यह है कि यह शख्स हिंदी बिहारी टोन में बोल रहा है। बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें यह शख्स बिहार को लेकर अपनी बातों को हिंदी के बिहारी टोन में रखते हुए कहता है कि इंडिया में 2 समोसा का 20 रुपए लगेगा, यहाँ अमेरिका 2 समोसा का 500 रुपए लगता है, चलो भाई वापस बिहार चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है और उनके द्वारा खूब कमेंट्स भी किए जा रहे हैं।
पहले मेधा सूची पर 2 वर्षीय बीएड कोर्स में 45% हुआ नामांकन। राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में पहली मेधा सूची के आधार पर 45.12% छात्रों के द्वारा दाखिला लिया गया है। बता दें कि 37,450 सीटों के विरुद्ध 36,188 अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए सीट आवंटित हुआ था, जिस पर 25 मई तक प्रमाण पत्र सत्यापन कराकर नामांकन लेना था, जिसमें अब तक 16,898 अभ्यर्थियों के द्वारा आवंटित कॉलेज में दाखिला लिया गया है। वहीं जो सीटें बच गई हैं उसके लिए 29 मई को दूसरी मेधा सूची जारी की जाएगी। बता दें कि इस बात की जानकारी राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए हेल्प डेस्क CETBED2023@gmail.com ईमेल पर भी जिस पर संपर्क कर समस्या को सुलझाया जा सकता है। बिहार के 19 जिलों में 900 से भी नीचे गिरा लिंगानुपात। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार राज्य में 19 जिले ऐसे हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की तुलना में 900 से भी कम है। बता दें कि जारी किए गए सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिस जिले का लिंगानुपात गिरा है उनमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सुपौल जिला शामिल है। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि 19 जिलों में मौजूद सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर की जाँच की जाएगी, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगी। बता दें कि जांच की जिम्मेदारी डीएम को दी गई है। मालूम हो कि निर्णय मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे गौतम स्थान के बारे में। गौतम स्थान या गौतम मंदिर सारण जिले का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको गौतम ऋषि का प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि यह गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था और यहाँ पर गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को श्राप दिया था कि वह पत्थर में परिवर्तित हो जाए और जब श्री राम यहाँ पर आएंगे तब श्री राम के चरणों के स्पर्श से माता फिर से पत्थर से इंसान बन जाएंगी। यहाँ पर सुंदर आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर आपको अहिल्या जी, गौतम ऋषि, राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर मूर्तियां देखने के लिए मिल जाती है। मंदिर सारण जिले में छपरा प्रखंड के गोदान में स्थित है। आप यहां पर अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। यहां पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यह मंदिर प्राचीन है। बिहार में ग्रेजुएशन पीजी के लिए राजभवन ने लिया बड़ा फैसला। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगतू के द्वारा एक पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब बिहार के बच्चों के लिए अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 साल में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी कि विद्यार्थी अब स्नातक की डिग्री 3 साल में भी हासिल कर सकेंगे और 4वें साल के पाठ्यक्रम के बाद आगे की पढ़ाई स्नातोत्तर या सीधे शोध में जाने का विकल्प खुला रहेगा। बता दें कि पत्र के द्वारा यह साफ बता दिया गया है कि वैसे बच्चे जो स्नातक की डिग्री 3 साल में करेंगे उन्हें 2 साल में स्नातोत्तर की डिग्री करनी होगी। वहीं वे विद्यार्थी जो 4 साल में स्नातक करेंगे उन्हें स्नातोत्तर 1 साल में करना होगा। बता दें कि संदर्भ में कुलाधिपति के द्वारा बहुत जल्द दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। पटना जिला जूनियर डिवीजन क्रिकेट अब इस दिन से 27 मई से आयोजित होने वाले पटना जिला जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग को बारिश की वजह से स्थगित कर दिया गया था। वहीं अब इसके नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि अब यह लीग 29 मई यानी कि कल से आयोजित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह लीग बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा पटना जिला में क्रिकेट संचालन के लिए गठित तदर्थ समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इस बात की जानकारी समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार और सदस्य रहबर आबदीन के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि इस लीग का उद्घाटन कदम कुआं सीसी बनाम एलायंस सीसी के बीच खेले गए मुकाबले से होने वाला है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का बनाया फर्जी वेबसाइट। बिहार की राजधानी पटना के मीठापुर स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव के द्वारा विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट बनाए जाने की बात प्रकाश में आने के बाद जक्कनपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके तहत पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज मामले की छानबीन की जा रही है। बता दें कि कुल सचिव के द्वारा जक्कनपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाने को लेकर जो पत्र लिखा गया था उसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा नवस्थापित विश्वविद्यालय का अब तक कोई आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इसी बीच किसी आपराधिक सकता वाले व्यक्ति के द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से फर्जी वेबसाइट बना लिया गया है, जो कि गूगल पर vuhs.in अंकित करने पर खुल रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों समेत कई लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसके साथ ही इस वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को निबंधन एवं परीक्षाओं के संबंध में गलत सूचना देकर अवैध रूप से उगाही की भी आशंका है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। जमुई सांसद सह लोजपा रामविलास चिराग पासवान के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नए संसद के विरोध में बोले जाने को लेकर तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार को याद आ रहा है जब खुद बिहार विधानमंडल के विस्तारीकरण को करने गए थे उस वक्त वो राज्यपाल को भूल गए थे। उस वक्त महामहिम राज्यपाल नीतीश कुमार को याद नहीं आ रहे थे। 2016 में उन्होंने बिहार विधानमंडल का उद्घाटन किया था। 19 नवम्बर को उद्घाटन किया गया था। उस वक्त राज्यपाल की इनको याद नहीं आई। मुझे बताया
न्याय देश के जितने विपक्षी दल या विपक्षी पार्टियां हैं वह स्वीकार करें कि उन सब ने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि जब एक आधुनिक तौर तरीके से भारत को नई संसद मिलने जा रही है तो फिर विरोध क्यों हो रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते संस्थाओं का भी विरोध करने लग जाते हैं। सीएम नीतीश को बिहार के इतिहास की चिंता करनी चाहिए। नीतीश सरकार ने कार्यालय परिचारियों के ट्रांसफर पर लगाई रोक। नीतीश सरकार के द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए राज्य के सभी कार्यालय परिचारियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। दरअसल अब विभाग के द्वारा सरकारी सेवकों को दूसरे जिले में ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार की ओर से विभागों को प्रधान को स्पष्ट आदेश भी दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब कोई भी विभाग कार्यालय परिचारी को दूसरा जिला अनुमंडल या प्रखंडों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। मालूम हो कि जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि कार्यालय परिचारी के पद पर कार्यरत कर्मियों को काफी कम मिलता है, लिहाजा इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने से काफी असुविधा होती है। साथ ही नए स्थान पर उनके सामने आवास की कठिन समस्या खड़ी होती है, लिहाजा इन लोगों को विशेष प्रशासनिक कारणों को छोड़कर जैसे पद समाप्त होने पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करें। फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच मैच। आज रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीम शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेलने उतरेगी। वहीं इस मैच में MS धोनी और हार्दिक पांडे बतौर कप्तान मैदान पर उतरेंगे। गौरतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल का टिकट गुजरात टाइटंस को हराकर कटवाया था, जबकि गुजरात ने मुंबई को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। इससे पहले हार्दिक की टीम IPL 2022 का खिताब अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में CSK गुजरात को हल्के में नहीं लेगी और कड़ी टक्कर देगी। अब आज के मैच में देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस टीम को हराकर IPL 2023 का चैंपियनशिप का ट्रॉफी अपने नाम करती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में आज ही के दिन हुआ था। खिजन खां ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर आज ही के दिन 1414 में सैयद वंश की नींव रखी। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक और महान भजन गायककार DV पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को नासिक महाराष्ट्र भारत में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिकर का निधन 28 मई 1954 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय राजनेता और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में 1 बार रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके मुलायम सिंह यादव को 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेता सुरेश चटवाल का निधन 28 मई 2016 में हुआ था। वेलकम, आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी ब्लॉग नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि जिनके परिवार में बेटियां हैं उन्हें कन्या सुमंगला योजना के तहत केंद्र सरकार हर महीने 4,500 रुपए दे रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। वापस आ गया गूगल मैप्स का खास फीचर। गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू अब भारत में उपलब्ध है। हमने काफी पहले इस फीचर को गूगल मैप्स पर देखा था लेकिन फिर कुछ कारणों के चलते गूगल ने इस फीचर को वापस ले लिया था, लेकिन अब फीचर दोबारा आ चुका है। यह फीचर काफी बढ़िया है, आपको किसी एरिया तक वर्चुअल ले जाता है। इस फीचर के सहारे से ऐसा लगता है कि आप उसी गली या मार्केट में खड़े हुए हैं। यह फीचर किसी एरिया की काफी बेहतर जानकारी देता है। आप इस फीचर के सहारे से सड़क को 360 डिग्री पर देख सकते हैं। फीचर घर बैठे ही आपको किसी जगह का पूरा नजारा दिखा देता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू की सफल टेस्टिंग की है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि कई जगहों पर 360 डिग्री देखने का ऑप्शन नहीं था। हरियाणा में रोहतक जैसे कुछ एरिया केवल स्थिर इमेज ही दिखा रहे थे। ATM कार्ड के खोने या चोरी होने पर परेशानी से बचने का SBI ने बताया तरीका। कई बार हमसे हमारे ATM कार्ड गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, ऐसे में काफी परेशानी हो जाती है और उस ATM या डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने को सोचते हैं। बता दें कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ट्विटर के जरिए जानकारी देते हुए बताया गया है कि अगर उनके चोरी हुए या गुम हुए ATM या डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना है तो उसके लिए उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ट्वीट कर SBI के द्वारा बताया गया है कि ऐसे समय पर केवल एक कॉल करने से चोरी हुए या गुम हुए ATM या डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कस्टमर्स को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बता दें कस्टमर्स को सबसे पहले SBI के सर्विस सेंटर पर कॉल करना होगा जिसका नंबर 1800-1234 या 1800-2100 है। इस नंबर पर कॉल करने के बाद अपने डेबिट या ATM कार्ड को ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। इसके बाद कार्ड ब्लॉक कराने के लिए आप 1 दबाएं। इसके बाद अगर आपसे कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर पूछा जाता है तो आप इनमें से किसी एक के आखिरी 4 नंबर एंटर करें और फिर 1 नंबर प्रेस कर दें।
बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है विनय राज, कमलेश शर्मा, शंकर मुखिया, नन्नू गोलू कुमार, प्रवीण कृष्णा, पंचम वर्मा, विद्यासागर, उमेश ऋषिदेव, विजेंद्र सिंह, मुन्नी तिवारी, प्रमोद राम, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद जावेद, अनवर करीम खान, सदुल्लाह पलवी, प्रहलाद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज आईपीएल 2023 के खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में सीएसके और जीटी में से किस टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।